नमस्कार मित्रों, जय गो माता। स्वागत है मेरे चैनल गो भारत पर और मैं आपका साथी भवानी सिंह। और मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जैसे देख बढ़िया देखिए, गाय आराम से चल रही है, बहुत चारा है, मतलब इतना कमर तक चारा है। और इस खेत में एक्चुअली ये है जो मेहंदी का खेत है हमारे इधर। क्या कि मेहंदी की जो प्लांटेशन की जाती है वो कई खेतों में है, वो एक बार करने के बाद 25-30 साल तक चलती रहती है। तो ये मेहंदी का पौधा है, लेकिन ये मेहंदी का पौधा है ना, गायें खाती नहीं, खाने में एकदम कड़वा स्वाद होता है, इसलिए गायें खाती नहीं, और लेकिन भेड़ बकरी खा लेती है इसको। तो जो खेत मालिक है वो क्या करते हैं, जो गोपालक है उनको बुलाते हैं, क्योंकि जो इसमें चारा उगा है आप देख सकते हैं, ये ताराई है, भुरट है, ये ढूंढनिया है इधर, ये देखिए, और यहाँ काचरे की बेले भी है, और बहुत सारा अलग अलग प्रकार का चारा है। तो ये क्या करते हैं कि जो मजदूरों से जो इस चारे को हटाना, इसको साफ करवाना बड़ा महंगा पड़ता है, उस वजह से क्या है कि गोपालकों को बुलाते हैं। और ये 5-7 दिन इस जैसे 7 बीघा का खेत है तो इसमें गाय आराम से चरेगी, क्योंकि पास में साइड में खेत भी है जिसे इसमें जैसे तिल्ली है, उधर कहीं पे ज्वार है, कहीं पे कुछ है, तो ये इधर खड़ा रहना भी जरूरी है, क्योंकि दूसरों के खेत में कहीं नुकसान न कर ले, उस वजह से सिर्फ इसी खेत में चरे, दूसरों की फसल नष्ट न कर दे। तो ये क्या होता है कि जो खेत मालिक होते हैं वो गोपालकों को बुलाते, भेड़ और बकरी पालकों को नहीं बुलाते, ताकि ये उनकी चारे की एकदम सफाई हो जाए और मेहंदी है वो बाहर आ जाए और अच्छी ग्रोथ भी करे। तो इसमें देखिए मित्रों, जब आप चराते समय ये इस बात की जरूर सावधानी रखें, मैं सुबह जल्दी इनको 6:30-7:30 बजे यहाँ पे लेके आ गया, इतना अच्छा चारा है, तो इसको इस चारे में पूरे दिन खड़ी नहीं रखे। पूरे दिन खड़ी रखने से क्या होता है कि अभी 2-3 घंटे में एकदम ये तो फुल हो जाएगी, और उसके बाद में ये छाया देख के बैठ जाएगी, और बाद या फिर इधर उधर दौड़ेगी तो ये चारा है ना, इनके खुरों में लग के ये खराब होगा, नष्ट होगा। तो जो चारा 10 दिन चलना चाहिए वो सिर्फ 5 दिन ही चल पाएगा। इस चारे को अपन मतलब तरीके से खिलाए तो ये इनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इस बात का गोचर में आप ये भी इस बात का जरूर ध्यान रखें। और जैसे इधर भी देख रहे, देखा मस्ती से मेरा बुल है वो भी चल रहा है, गायें भी चल रही है, बढ़िया पूंछ हिला हिला के। अभी धूप धीरे धीरे तेज होने वाली है, तो जैसे ही धूप तेज होगी तो मैं इनको यहाँ से निकाल दूंगा। तो दूसरी साइड में यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है मेरा दूसरी ग्रेजिंग खेत है, वहाँ पे ले जाऊंगा। वहाँ चारों तरफ जो तारबंदी की हुई है तो उसको मैं वहाँ पे डाल दूंगा, और वहाँ छाया की व्यवस्था भी है तो दोपहर में पानी पिला के वहाँ पे डाल दूंगा। तो वो आराम से 2-2.5 घंटे, दोपहर का समय बहुत धूप तेज होती है उस समय वो रेस्ट करेगी सारी गौ माताएं, और शाम को जैसे 1-1.5 घंटे वापस चरेगी अपनी रुचि के अनुसार, और फिर लगभग 4-4:15 बजे के वहां से मैं निकाल देता हूँ, घर पे ले आता हूँ, क्योंकि आजकल के मच्छर मक्खी का प्रकोप भी थोड़ा ज्यादा है, तो थोड़ा जल्दी हम दुआरी कर लेते हैं, दूध है जो गायें दूध दे रही है उनके दूध हम जल्दी निकाल लेते हैं। तो अभी गायों का रूटीन ये चल रहा है। और अभी जैसे इधर जो फसलें हैं वो लगभग आप देख सकते हैं, ये सामने तिल्ली है तो ये भी पकाव की तरफ है, आने वाले 10 दिनों में ये कट जाएगी। तो जैसे जैसे 15-20 दिनों में ये खेत खाली होते जाएंगे, तो अभी दीपावली के 1 महीने पश्चात तक गायों को चारा डालने की जरूरत नहीं होगी घर पे, और खूब खाने को होगा, और इनके पूरे साल की पूरे वर्ष भर की ये कसर है वो निकल जाएगी। तो मित्रों देखिए, जो सारी गायें हैं कुछ इधर चल रही है, कुछ उधर चल रही है, अपनी रुचि के अनुसार सारी चल रही है, और
इसमें जो ये आपसी सहभागिता है जो खेत मालिक और गोपालक की, तो इसमें हमें कुछ पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता है और खेत मालिक का भी ये फायदा हो जाता है कि उसका चारा है वो आने वाले 5-7 दिनों में साफ हो जाएगा और उसके कोई बगैर मजदूरी दिए, और गोपालक का ये फायदा है कि उसको मुफ्त में चारा मिल जाएगा गायों के लिए। तो दोनों तरफ ही फायदा है, दोनों की बल्ले बल्ले है। तो आशा करता हूँ कि आपके क्षेत्र में भी ऐसे ऐसे जो खेत मालिक होंगे जो गायों के प्रति अच्छा भाव रखते होंगे वो भी ऐसा करते होंगे, और मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में लोग अगर ऐसा भाव रखे तो आने वाला समय है जो गायों के, देसी गायों के है, वो स्वर्णिम युग होगा और अपन जो अच्छा से अच्छा जो ब्रीड बना पाएंगे, अच्छे से अच्छे जो पंचगव्य उत्पाद है या दूध और उसके प्रोडक्ट है जो क्वालिटी वाले है वो अपन कहीं ना कहीं बना पाएंगे और कम्पीट कर पाएंगे। तो मित्रों आशा करता हूँ ये जो वीडियो है जो मेहंदी के खेत में गोचरण का, तो वो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। धन्यवाद मित्रों, जय गो।